विधायकों के त्याग पत्र के मसले पर सियासत तूफान पर है बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया जो कि त्याग पत्र से संबंधित है मुख्यमंत्री के सलाहकार लोढ़ा ने प्रस्ताव में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने इस प्रकरण में अपना कोई निर्णय नहीं दिया था इससे पूर्व ही एक दिसंबर दो को जनहित याचिका हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई इससे न केवल विधानसभा अध्यक्ष की अवमानना की गई बल्कि राजस्थान विधानसभा के विशेष अधिकारों का भी हनन किया गया लोढ़ा ने इस प्रस्ताव के जरिए 24 जनवरी को विधानसभा में विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव उठाने की अनुमति मांगी लोढ़ा ने विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा को संयम लोढ़ा ने प्रस्ताव सौंपा अब इस मसले पर स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी सदन में रुख प्रस्तुत कर सकते हैं राजस्थान विधानसभा के इक्यासी सदस्यों के कथित इस्तीफे को लेकर जो प्रकरण चल रहा था जिस पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कोई निर्णय किया नहीं था उससे पहले ही इसको हाईकोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई पहली बात तो इसमें किसी तरह का कोई जनहित जुड़ा हुआ नहीं था और दूसरी बात जब निर्णय ही नहीं हुआ है तो आप कौन से जुडिशियल रिव्यू के लिए जा रहे हैं विधानसभा एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है वो कोई राजस्थान हाईकोर्ट का सबॉर्डिनेट नहीं है अगर विधानसभा अध्यक्ष जी कोई निर्णय कर लेते हैं उसके बाद कोई हाईकोर्ट के समक्ष जाता है तो समझ में आती है बात लेकिन ये लगातार इस तरह की प्रवृत्ति बन रही है कि विधानसभा अध्यक्ष जी विधानसभा किसी तरह का कोई नोटिस जारी भी करते हैं तो किसी तरह का निर्णय हो उससे पहले ही उसे न्यायालय में चुनौती दी जा, जाती है तो मेरा मानना है कि विधानसभा के अध्यक्ष के हम मानना है विधानसभा के विशेषाधिकारों का हनन है इसलिए हम इसको सदन में लाएंगे, जिससे विधानसभा की गरिमा को बनाया रखा जा सके